रहा बाजी का सामान, पहले आप देख लीजिए पूरी लुक माशाल्लाह से, और फिर मैं डिटेल में आपको अभी दिखाती हूँ कि क्या क्या है। अभी बाजी की चूड़ियाँ रह गई हैं, उस बात की डिस्कशन चल रही है, तो चलो अब आपको पास से दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है बाजी का सूट, ये भी है बाजी का सूट, और ये भी है बाजी का सूट, और ये ब्लैक वाला भी बाजी का सूट, और वो पिंक वाला भी बाजी का सूट। कहने का मतलब बाजी आपके पास सूट हैं? अच्छा जी, तो पांच सूट हैं बाजी के। अब हाँ, अब बारी आती है आहिल की, तो ये आहिल के कपड़े, ये भी आहिल के कपड़े। तो तीसरा कहाँ है आहिल का? हाँ, कुर्ता पजामा। कहाँ है कुर्ता पजामा? यहाँ। अच्छा, हाँ। ये कुर्ता पजामा आहिल और आहिल के पापा का है। मेरे से हाथ ना लगाओ गंदा हो जाएगा। तो ये तीन जोड़ी आहिल के हैं, एक ये और एक इसमें से, और आहिल के पापा के दो जोड़ी हैं, एक वो और एक इसमें से कुर्ता पजामा। ठीक है जी, उधर चलते हैं। हाँ तो उधर चलते हैं। ये ग्रीन वाला जो है ये बाजी की मम्मी का, यानी सासू मम्मी का, और ये पापा का, है ना। उधर आपको जो दिख रही है वो है डबल बेड की चादर। बाजी की हमेशा ईदी में चादर ज़रूर होती है। हाँ हाँ, वो मैं बोली तो रही थी ये सामान रख रही, मैंने कहा बाजी मतलब मेरे मुंह में ही थी ये बात की चादर नहीं है इस बार, तो देखा चादर निकली। चादर को बहुत शौक है, चादर का मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा जी, तो ये है चप्पलें, चप्पलें निकाल के दिखाएं ज़रा। तो ये हैं बाजी की चप्पलें, बड़ी प्यारी लग रही हैं। ये है आहिल की सैंडल। लिबू पीछे रहो। तो कपड़े तो ये सबके यहाँ से यहाँ तक कपड़े कपड़े। ठीक है, अभी सब दिखाऊंगी। सब दिख रहा है तुम्हें? क्या है ये बोल, चाट पीने का वो दूध का कप है ये? अच्छा नहीं नहीं, वो कुछ और देख रही है। हाँ वो क्या है अंदर? हाँ वही तो सब दिख रहा है इन्हें, इसे टॉफीज वगैरह है शायद, वही तो दिख रही है इन्हें। अच्छा अभी देंगे, रुको आरा रखो ना, मैं वीडियो बना रही हूँ। छोटी छोटी हेयर एक्सेसरीज वगैरह, ये क्या है? गुच्छा चाबी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, बनाती पूरी डलिया बनाती है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया खाने पीने का सामान। तो मैं आपको दिखाती हूँ खाने पीने के सामान में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये बड़ी वाली जो सेवई होती है वो, उसका पूरा पैकेज, और हाँ, और ये मठरी, मठरी बड़ी फेमस होती है यहाँ की। ये मठरी है दो पैकेट, एक ये भी और एक ये भी। और उधर है फैनी, जो ना अब शीर में जो डलेगी वो वाली फैनी, शीर में जो डलेगी वो वाली फैनी है वो। और इधर है चावल बिरयानी के। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो आप लोग बिरयानी में कौन सा चावल यूज़ करते हो, तो हम यूज़ करते हैं गैलेक्सी, गोल्डन सेला। हाँ गोल्डन सेला तो है, ब्रांड बता रहे हैं गैलेक्सी, है ना। ये है बूरा, ये क्या है कोला, ये क्या है? अच्छा ये चिप्स है, वो जो तलने वाले जो होते हैं ना फ्राइज, वो ये हैं चने। और ये है चिप्स, ये भी चिप्स ही हैं। ठीक है, हाँ वो खाने वाले नहीं, ये दूसरे। इसमें क्या है? बादाम, काजू बादाम। तो ये इस बार पैकेट क्यों नहीं मंगाए? पैकेट बनाए रात में लाए। अच्छा हाँ, तो बस इसमें है बादाम, इसमें है किशमिश, ये रहे मखाने, बेसन, चने, चीनी। ठीक है, हाँ पूरा तो दिखा दे गोला, है ना। बस यही सारी चीज़ें हैं। अब आप सब कुछ देख लीजिए दोबारा से। अब मुझे प्लीज़ कमेंट ये मत करना, अभी भी काफ़ी लोग करेंगे कि तुम इतना इतना देते हो और माँ बापों के ऊपर। माँ बाप, माँ आप बताएं, जिंदा रहेंगे ना जब तक देते हैं, वो जो हो जाएगा वो निकल जाएगा, वो चले जाएगा। सही बात। और देने वाले देते, ना देने वाले नहीं देते, जबरदस्ती नहीं है किसी की। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी के होड़ नहीं। सही बात, हमसे भी ज्यादा देते हैं। और ये आप बताइए, आप क्या ये आपसे जबरदस्ती दिलवाया जाता है या दिया जाता है? कोई जबरदस्ती नहीं होता ना, वही
वही तो हर माँ अपनी को माँ बाप खुशी से देते हैं, और या फिर ये देने में आपका तेल निकल गया, ये बताइए मेरा कुछ नहीं अभी कुछ और होता अगर जल्दी में आए, मैं 2-3 दिन बना पिला अभी कर दिया, अभी कुछ और हो जाता, और हो जाता वही तो। और माशाल्लाह बेटियों की किस्मत से सब मिलता है, इसकी गाड़ी वाड़ी भी लाती, कुर्सी कुर्सी भी लाती, और दवाई तो वो रहेगी आएगी, सब बेटियों की किस्मत का होता, कुछ भी नहीं होता। और माँ बाप सलामत रहें, 2-3 दिन में रात में एक दिन में कराया तो हर पड़ गया हिंदुओं का, अब इसमें इधर उधर सही आदमी सब। चलो जी बस बहुत सारी दुआएं देना आप लोग, और बताना आप लोगों को कैसा लगा सब। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोचिए वैसे क्यों कर रही, मैं बहुत दुखी हूँ दुखी क्यों मैं बताऊँ, आप लोगों में से किसने रॉन्ग टर्न पार्ट 1 देखी है मूवी, मुझे कॉमेंट करके बताना है। जिन्होंने देखी ना, मेरा खैर बहुत बहुत फेवरेट सीरीज़ है वो, मैंने उसके 8 पार्ट आ गए, 8 को देख लिए हैं जहाँ तक मुझे पता है, एक याद अगर कोई मिस हुआ होगा तो हुआ होगा, हॉलीवुड मूवी है तो। रॉन्ग टर्न जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो जोम्बी होते हैं ना, जोम्बी नहीं होते उसमें, जोम्बी नहीं है वो, कुछ अजीब से होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, खैर व्हाटएवर, तो वो ना मतलब ऐसे सो रहा होता है लाइक भूत टाइप में आप लगा लो, वैसे सो रहा होता है, और वो जो सारे वो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं बड़े चक चक से, तो वो जैसे ही ना वो दरवाजे में से आवाज़ होती है चर्र चर्र, तो एक फ्रेंड ना वो दरवाज़ा पकड़ के खड़ा जाता है, सारे निकल रहे होते हैं, जब उसकी निकलने की फाइनल निकलने की बारी होती है ना, तो वो जोम्बी की तरफ देखता है, वो ना ऐसे सो रहा होता है और उसकी आँख खुल जाती है, बॉस फिर जब वो भागते हैं ना, तो ये मेरे जोम्बी हैं इनकी आँख खुल जाती है ना, मेरी जान निकल जाती है। खैर बहरहाल मैं बताती हूँ, मैं अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ पता है क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ तब आपको मेरी हालत में बहुत तरस आए। ये देखो मेरी सहरी भी नहीं हो पाई पूरी और अलार्म हो गया पता नहीं क्यों, ऐसा भी नहीं है कि मैं लेट उठी थी, मैं 4 बजे ही उठी थी, लेकिन सहरी का टाइम इधर थोड़ा कम हो गया है ना, 4:52 पे हो गया यहाँ पर आज 11, तो बस मैं खाते खाते मैं रुक गई ना, मैं तो अपनी चाय पी पाई ना, मैं अपनी मैगी खा पाई, तो बस ऐसे ऐसे करके सियारन हो गया। फिर मैंने ना मतलब टाइम ही हो गया था, तो हमारी एक भाभी हैं, मेरी दोस्त कह लो कुछ भी कह लो आप, तो वो भाभी हैं खैर हमारी, उनका कॉल आता है बेचारे को रोज़, मैं उन्होंने मतलब मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे ना आप बता दिया करो जब, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी आवाज़ आती नहीं, कभी आ जाती कभी नहीं भी आती, वो बेचारी का फ़ोन आता है रोज़ अफ्तार के टाइम पे भी, सहरी के टाइम पे भी उनका फ़ोन आया, मैंने कहा भाभी मेरे तो खा नहीं रही है, मैंने कहा मैं तो दूध भी नहीं पी पाई, तो उन्होंने बोला कि भाभी आप ना दूध पी लो, बात मत करो को दूध पी लो, इतना टाइम तो होता है, तो बस मैंने दूध ही पी लिया है, बाकी ये सब तो रह गया, चलो कोई बात नहीं। और यही चीज़ मैंने मीनाज के साथ शेयर करी है, अपनी मीनाज के साथ शेयर करी है, तो उसका तो सहरी में ही हंसते हंसते मतलब पागल हो गया, और वो मुझे ये बता रही थी कि अफ्तार के टाइम के लिए एक टॉपिक मिल गया वो मतलब मेरा बड़ा वो मतलब मजाक बनाती है, मजाक नहीं होता ऐसी पुलिंग लाइक पुलिंग, मैं भी उसी बहुत करती हूँ, वो कह रही कि मतलब अफ्तार के टाइम का एक टॉपिक मिल गया, आप ही को बताएंगे, आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे बच की सहरी रह गई, तो खैर बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ, मतलब अब खुश हूँ, सहरी का तो चलो जो हुआ हुआ कह सकते कि मेरे नसीब में नहीं था, हाँ तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कुछ होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग, और वो इतना एक्साइटिंग होने वाला है माशाल्लाह, अल्लाह पाक बस दुआ करना कि सब अच्छे से हो जाए, शेयर करूँगी आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द कि क्या होने वाला है, और मज़ा आएगा इंशाल्लाह, इट विल बी अ ग्रेट फन। चलो अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा बकबक नहीं, क्योंकि मैंने आज से भी 5 मिनट की मैंने बात कर ली है, और ये मेरे ज़ॉम्बी ये खुजाते भी हैं तो मेरी जान निकल जाती है, चलो फिर मिलूंगी बाद में, है ना, अल्लाह हाफिज़। तो आज हमारे खाने में है साबूदाना बड़े,
और ये इन फ्रूट चाट एंड लिबू के लिए फ्रेंच फ्राइज। आयरा और मैं ये पकौड़े खाएंगे। लिबू अगर शेयर कर लेगी तो आयरा फ्रेंच फ्राइज भी खा लेगी, है ना। और ये शरबत, और ये शोनू। शोनू बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। चलो मिलते हैं बाद में। तो जी यहाँ पर टाइम हो गया है इफ्तार का, और शोनू हमारा इफ्तार भी करता है हमारे साथ। और देखिए कितना मतलब क्यूट लग रही है शोनू का ना, मतलब जितनी जितनी बड़ी होती जा रही है शोनू उतनी उतनी क्यूट होती जा रही है। और मैं जैसे जैसे बोल रही देखो मेरी शक्ल वो कैसे देख रही है। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि मैं शोनू को बिठाती नहीं हूँ। नहीं, मैं शोनू को बिठाती हूँ और अपने सहारे से भी बिठाती हूँ। और यहाँ पर मैं आयरा से कुछ मंगवा रही थी। आयरा ना कभी कभार ऐसा हो जाता है बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और कुछ बोलो तो समझती नहीं है। और ये इफ्तार का टाइम इतनी जल्दबाजी का होता है तो मैं उसको कुछ बोल रही थी। तो खैर बहरहाल आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। और शोनू खाता है पूरे अफ्तार में बनाना। बनाना शोनू को बहुत पसंद है, इसके अलावा और कोई फ्रूट शोनू को पसंद नहीं है। तो देखो मुझे कैसे देखती है। तो बस जी आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको हिना बाजी की ईदी कैसी लगी। और कल का आप लोगों ने ब्लॉग पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हमें भी रोना आ गया। ये जो विदाई का टाइम होता नहीं होता ही ऐसा है। मैं भी जब अपने घर से आती ना बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। तो खैर बहरहाल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।